नमस्कार, मैं प्रीति पांड्या आज फिर एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक को लेकर आप सबों के बीच में आई हूँ। अगर आपके बॉडी में वात, पित्त या कफ, कोई भी चीज़ अगर इम्बैलेंस हो गया है, अगर थोड़ा भी इम्बैलेंस हो रहा है, तो आपको उसकी वजह से कुछ न कुछ बीमारियाँ फेस करनी ही पड़ती है। आयुर्वेद के अनुसार अगर बॉडी में हीट बहुत बढ़ गया है तो उससे आपका पित्त जो है ना वो एकदम इम्बैलेंस हो जाता है, और पित्त जो एक्टिवेट हुआ उसकी वजह से आज आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, इसी टॉपिक को लेकर मैं आप सबों के बीच में आई हूँ। और आयुर्वेद में ऐसे बहुत से उपाय हैं जिसके अनुसार पित्त को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि पित्त को किस तरह से बैलेंस करके आप अपने हेयर की केयर कर सकते हो और ब्यूटी की केयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पित्त यदि इम्बैलेंस हो गया तो शरीर में ऐसे बहुत से लक्षण प्रकट होंगे जिससे आप स्वतः ही जान जाएंगे कि आपका पित्त जो है वो एक्टिवेट हो गया है। तो इसमें सबसे पहला साइन है स्किन इन्फ्लेमेशन, नेक्स्ट है माइग्रेन, एसिडिटी, लूज स्टूल, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, बॉडी ऑडर, एक्सेसिव स्वेटिंग, अनप्लेजेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फटीग, इरिटेशन। ये सब अगर आपके शरीर में लक्षण दिख रहे हैं तो आपके स्किन में पित्त जो है वो इम्बैलेंस हो गया है। उसे ठीक कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला उपाय ये है कि आप कंज्यूम करें वाटर रिच फूड। जिस भी फूड में, जिस भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में वाटर कंटेंट अच्छा है वो आप ज़्यादा कंज्यूम करें। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में जो हीट बहुत प्रज्वलित हो रहा है वो ठंडा होगा, वो शांत होगा। तो इसीलिए आप वाटरमेलन, पपाया, खीरा, नारियल, ये सब जो ठंडी चीज़ें होती है, इन सब का इंटेक आप बढ़ाएं। इनमें ग्रेप्स बहुत अच्छा है, पपाया बहुत अच्छा है, और एक है धनिया पत्ती, ये पुदीना पत्ती, ये सब बहुत अच्छा है। तो आप धनिया और पुदीने की चटनी बनाकर खाएं। आपको अगर बहुत ज़्यादा पित्त इम्बैलेंस आपको फील हो रहा है तो आप पानी बॉयल कीजिए, धनिया डालकर, जो ग्राउंड धनिया आता है ना, ग्रीन वाला, दाने वाला, वो आप पानी में डालकर उसे बॉयल करें और ठंडा करके आप वो पिए। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी अंदर टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएंगे और पेट में एक कूलिंग इफेक्ट आएगा। इसके अलावा आप तुलसी के बीज, जिसे कहते हैं ना सब्जा सीड, आप इसे लीजिए, चिया सीड, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इन सब का इनटेक करें। इसके अलावा घी जो है ना वो एक रामबाण की तरह आपके जीवन में काम आएगा। तो आप डेली 2 टेबलस्पून, कम से कम 1 से 2 टेबलस्पून आप कच्चा घी ज़रूर खाएं। और ग्रेन्स में राइस, मूंग दाल, ओट्स, ये सब बहुत अच्छा है, आप इसे कंज्यूम करें। इसके अलावा आप आमंड सोप करके खाएं, आमंड और किशमिश, इन दोनों को भिगो दीजिए, और भिगो के डेली कम से कम, आप ज़्यादा नहीं भी, तो 4 बादाम और 8 से 10 किशमिश कंज्यूम करें, मतलब किशमिश और बादाम मिला कर खाएं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रेटेड रहे, पानी कम से कम भी 10 ग्लास ज़रूर से ज़रूर पिए। कोशिश करें कि फ्रिज का रखा हुआ पानी नहीं पीना है, आप मटके का पानी पी लो। इसके अलावा कोकोनट वाटर बहुत ही अच्छा है, आप डेली कोकोनट वाटर लें, और धनिए का पानी पीजिए, पुदीने का पानी पीजिए, नींबू की शिकंजी, ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और इसके अलावा सौंफ का पानी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सौंफ और पुदीने का पानी, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सौंफ बहुत ठंडा होता है। तो सिंपल आप सौंफ मिश्री का पानी, सौंफ पुदीने का पानी, इस तरह का बदल बदल के हर्बल टी, जिसे कहते हैं ना, ये आप प्रिपेयर कीजिए और इसे लेते रहे। मतलब जितना हाइड्रेशन होगा उतना आपके शरीर में पित्त जो है ना वो शांत रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप योगा, प्राणायाम पे स्पेशली फोकस करें, उससे आपका स्किन जो है ना निखार आएगा। प्राणायाम अगर आप करोगे तो पित्त जो है वो एकदम बैलेंस रहेगा। वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए प्राणायाम और योगा से अच्छा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आप डेली हैबिट डालो
कि दिन भर में किसी भी समय जब भी आपको टाइम हो, सुबह में, दिन में, शाम में, रात में, जिस वक्त भी आपको टाइम मिले, आप एटलीस्ट 30 मिनट्स का वॉकिंग, ये आप अपने जीवन में एक हैबिट डाल लो कि ये ज़रूर से ज़रूर करना है, ठीक है। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार यदि आप बॉडी मसाज कर रहे हो तो कोकोनट का ऑयल लीजिए, या फिर घी, या फिर ब्राह्मी ऑयल। ब्राह्मी ऑयल बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। सिर्फ कोकोनट ऑयल में आप हर्ब ले आओ बाज़ार से, ब्राह्मी हर्ब जो मिलता है उसे आप डालो और उसे गर्म करो। गर्म करने के बाद उसे रात भर वैसे ही छोड़ दो और सुबह में उसे स्ट्रेन करके वो आपका ब्राह्मी ऑयल रेडी हो जाएगा, और उससे आप अपने बॉडी में मसाज करो। मींस अगर आप मसाज कर रहे हो आप फुल बॉडी की नहाने के पहले, तो आपका अंदर से पित्त जो है ना वो शांत होता है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार मसाज करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट है कि कूलिंग इफेक्ट के लिए आपको इंटरनली तो सब कुछ करना ही है कि अच्छा खाना पीना वो सब करना है, लेकिन आपको कॉटन कपड़े भी पहनने हैं, क्योंकि कॉटन कपड़े पहनने से आपको स्वेटिंग की जो प्रॉब्लम होती है पित्त बढ़ने से वो ठीक हो जाएगा, और एक कूलिंग इफेक्ट स्वतः ही मिलेगा आपको, क्योंकि वो हीट को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो कॉटन कपड़ा जो है ना वो पहनना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है कि आप चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब को अवॉइड करें, क्योंकि ये सब जो है ना आपके हीट को और एग्रेवेट कर देते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो कैफीन है इसका इनटेक आप बिल्कुल ना करें, और इसके अलावा जो हॉट स्पाइसेस होते हैं जैसे गरम मसाला वगैरह, जो बाज़ार का मसाला होता है जिसमें बहुत कुछ मिक्स है, जो बहुत शुद्धता से बना हुआ नहीं होता है, तो आप अवॉइड करें उन सबको, और घर का बना हुआ अच्छा मसाला, शुद्ध मसाला ही प्रयोग में लाएं। तो आप हल्का मसाला लीजिए, लेकिन गरम मसाले का उपयोग खाने में कम से कम कीजिए। इसके अलावा अगर आपके जीवन में स्ट्रेस बहुत है तो आप कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस को मेडिटेशन के थ्रू, प्राणायाम के थ्रू, ग्रैटिट्यूड के थ्रू, पॉजिटिविटी के थ्रू, अपनी सोच में पॉजिटिविटी लाने का प्रयास कीजिए आप। इन सब के थ्रू आप स्ट्रेस को रिड्यूस कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है और आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है, लोग बहुत स्ट्रेस में रहने लगे हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि इस स्ट्रेस को दूर करें, क्योंकि ये आपके बॉडी को अंदर से खोखला कर देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करने के लिए स्ट्रेस जो है ना वो बैलेंस रहना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आप सोने से पहले अपने नाक में, छिद्र में, नाक ऐसे सो के छिद्र में आप या तो फ्रेश कोकोनट ऑयल हो या ये ब्राह्मी ऑयल जो अभी मैंने आपको बताया कि कोकोनट ऑयल में कैसे इन्फ्यूज़ करके बनाना है, उसे आप अच्छे से दोनों नॉस्ट्रिल में लगाएं और इस तरह से खींच लें। एक बार इस तरह से खींचोगे तो वो जो ड्रॉप है वो थोड़ा अंदर जाएगा। अच्छे से आप लगा लो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके हीट को थोड़ा बैलेंस करेगा, तो इससे आपका पित्त शांत होगा। इसके अलावा मून में नहाना वो कैसे होगा, उसके लिए आपको अपने टेरेस पे रात में हाफ एन आवर वॉक करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि वॉकिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप रात में वॉक कर सकते हो खुले आसमान के नीचे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप यदि रात में वॉकिंग की आदत डाल रहे हो तो मून बेदिंग जो है ना वो स्वतः ही हो जाएगा, और इससे आपका पित्त जो है ना वो शांत होगा। तो इन कुछ टिप्स को फॉलो करके आप अपने पित्त को शांत कर सकते हैं, और पित्त को अगर आप शांत करोगे तो आप देखोगे कि आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम ठीक हो गया, आप देखोगे कि आपका आईसाइट ठीक हो गया, आप देखोगे कि आपका स्किन इन्फ्लेमेशन ठीक हो गया, और ये जो रेडनेस स्किन में होता है, डार्क सर्कल्स होता है, स्किन में रैशेज हो जा रहे हैं या आपको पिंपल्स हो रहा है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अपने ओवरऑल सेहत के साथ साथ ब्यूटी और हेयर जो मेरे चैनल का मेन मोटो है, आप अपने हेयर की केयर कर सकते हो, अपने ब्यूटी की अच्छे से केयर कर सकते हो, तो ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें मेरे इन टिप्स को, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।